गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास नाइन्थ में लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन को आधा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आगे के जो भी है ना टॉपिक्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा आज का टॉपिक रहेगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में बुक निकाल लीजिए, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसमें दो क्रियाकलाप दे रखे हैं, 11.6 और 11.7, जिसमें से हम 11.7 क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। 11.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है, ठीक है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाई कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए। किस द्रव्यमान में अधिक विस्थापन है और किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा? इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। देखो, इसने एक सेटअप बनाया है। ऊपर देखो, ये कुछ इस प्रकार का। तो इसने किया कि क्या ना, ट्रॉली के सामने है ना, ये दो गुटके रख दिए लकड़ी के, ठीक है। और यहाँ से बल लगाया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हमने धक्का दिया, तो इसने क्या धक्का दिया, तो यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ यहाँ पे भार लटका रखा है, ठीक है ना। तो इसको धक्का दिया तो इसके तरफ टकराई। टकराने के बाद देखो, ये नीचे भार भी लटका रखा है, टकराएगी तो विस्थापन होगा। ये अपनी जगह से क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। ये अपनी जगह से विस्थापित हो गई। विस्थापित हो गए मतलब इसने कुछ ना कुछ, इसको ये विस्थापन क्यों हुआ? विस्थापन तभी होता ना जब उसके पास क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है। तो इसी ने इसको कुछ एनर्जी, तभी तो क्या हुआ, इसका जो ये लकड़ी का गुटका, इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इस ट्रॉली ने इसको कुछ एनर्जी दी, तभी इस लकड़ी का क्या हुआ, विस्थापन। इसका मतलब इस ट्रॉली ने इसके गुटके के ऊपर कार्य किया है, तभी इसका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। बात समझ आ गई। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये ऊर्जा है वो कहाँ से आई, है ना। तो इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, उसमें तथा ऊर्जा विद्यमान। जो गतिशील ट्रॉली कार्य करे ना, उसमें क्या है, ऊर्जा विद्यमान है। तो हमें ट्रॉली से ऊर्जा मिली है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। ऐसा होता है भाई, एक तो दो जने चल रहे, एक तो बहुत स्पीड में चल रहे और एक बहुत स्लो चल रहा है। तो वही बात है कि जो ज़्यादा तेज चल रहा है वो अधिक गति से कार्य करेगा। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गतिशील वस्तुओं में क्या होती है, इससे हमें एक बात पता लगती है कि जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। गिरता हुआ नारियल, गिरता हुआ नारियल, उसके अंदर गति है तो उसके अंदर भी क्या है, एनर्जी है। और गतिशील कार चल रही है तो उसके अंदर भी एनर्जी है। लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ, उससे पहले ये वाली चीज़ नोट कर लेना, गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, ठीक है ना। बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, मतलब सब क्या है, गतिशील है। दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है ना। जो भी चीज़ गतिशील है उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। संक्षेप में ये नोट कर लेना, संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। वापस रिपीट करूँ, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, मतलब जब वो गति कर रहा है, जब वो चल रहा है, तो उसमें जो निहित ऊर्जा होती है ना, जब वो गति करता है तो जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे चाल बढ़ती है उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उसकी ऊर्जा कितनी ऊर्जा निहित होती है, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी। देखो, इसने क्या बोला था,
कि जो है ना जो गतिज ऊर्जा है ना वो चाल के साथ या उसके वेग के साथ क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। तो वही एक निश्चित वेग से जो गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी ना वो उस वस्तु पर उस इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। उस वस्तु पर उस वेग को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो वेग से गति कर रहा है ना उस वेग को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया गया है ना उसके क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कार्य और ऊर्जा क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कार्य और ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। आइए हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए एम द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से क्या है, गतिशील है। मान लीजिए कि जब इस पर एक नियत बल f विस्थापन की दिशा में लगता है तो उसे वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। कि भाई जब जो भी है ना इस पर कोई वस्तु है उस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, विस्थापन मतलब जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी की दिशा में लगता है, तो वस्तु S द्वारा S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। S दूरी तक, कोई S दूरी है वहाँ तक क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। अब कार्य का क्या होता है, W एफ एस के, W क्या है, जो कार्य है वो F इंटू एस के बराबर है, बल और दूरी के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मान लीजिए वेग u से v हो जाता है, मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। तो हमने गति के तीनों समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है कि यानी क्या, एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन के बीच निम्न संबंध है, ये रहा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमने गति की समीकरण जो देखी नहीं थी क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a देखी थी ना, तो इसमें हमने क्या निकाला, s निकाल लिया भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a, यहाँ पे बटा में आ जाएगा तो s का मान आ जाएगा। और हम अब हमें पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। तो ये भी क्या है, गति के समीकरणों में से निकला। इस प्रकार इनके जो मान है ना F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं, मतलब जो है ना अब जो F का जो मान है वो हमने क्या निकाला, एम ए, ठीक है। और जो हमने S है, S का मान क्या लिखा, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, इनका मान रख दिया हमने, जो ये दे रखा था ना हमें, जो हमें पता है ना कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू S होता है। F की जगह पे रख दिया हमने m में, और S की जगह पे रख दिया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a, ये देखो हमने यहाँ पे रख दिया। तो a से a कट गया, तो हमारा जो आंसर, जो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा का W इज इक्वल टू एक बटा दो ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, कार्य होगा, कार्य होगा, कार्य बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यदि वस्तु की गति अपने विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, तो विराम अवस्था से प्रारंभ होगी तो जो प्रारंभिक वेग वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, तब क्या होगी, जो गति जुड़ जाए वो क्या होगी, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ये इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई जो किया गया जो कार्य है ना वस्तु की गति ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। यदि u बराबर जीरो, किया गया कार्य एक बटा एम वी स्क्वायर, अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा, हमारे गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा ये e, ये k मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। ये हो गया हमारी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो याद रहेगा ना सबको, हमने कैसे निकाला, हमने f का मान रखा, इसके अंदर s का मान रखा, फिर उसके अंदर से हमने इसको निकाला। बात समझ आई नहीं आई, और जिसमें से हमने तुमने बोले इसमें u कहाँ गया, क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग से, अभी कोई वस्तु है जो विराम अवस्था से स्टार्ट करेगी गति, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। बात समझ आ गई, तो अब हमने गतिज ऊर्जा की समीकरण निकाल ली। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देख ली, गतिशील वस्तु के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसमें वेग में परिवर्तन में जो काम हुआ है उसके क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, जिसमें हम बहुत सारे क्रियाकलाप दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें से एक ये क्रियाकलाप लेते हैं, ठीक है। तो एक सिलंकी लीजिए, निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से उसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए, आप दूसरे सिरे को पकड़िए तथा अपने मित्र से दूर चले जाए। क्या आप सिलंकी को छोड़, अब आप सिलंकी
स्लिंकी को छोड़ दीजिए, क्या होता है खींचने पर स्लिंकी ने इस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की, किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की, क्या संपीड़ित करने पर स्लिंकी ऊर्जा उपार्जित करेगी, ठीक है। तो और एक देखो, एक क्रियाकलाप और देखती, खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरिए, कार को जमीन पर रखिए, क्या ये चलती है, इसमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की, क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों की संख्या पर निर्भर करती है, क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं। चलो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, आगे डिस्कस करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती, ठीक है ना, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती। कोई मान लो हमने किसी वस्तु को क्या दे दी, एनर्जी क्या कर दी, स्थानांतरित कर दी, एनर्जी क्या कर दी, स्थानांतरित कर दी। उसके बाद वो जो एनर्जी स्थानांतरित की, वो वस्तु की चाल या वेग परिवर्तन करने में उपयोग नहीं आई है, तो वो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्टोर होगी नहीं होगी, तो जो स्टोर होगी उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। जो एनर्जी हमने स्थानांतरित की है उसके वेग या चाल परिवर्तन में उपयोग नहीं आई है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है। इस स्टोर होने को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्टोर हुई हुई जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। सिंपल सी बात है, तुम एक रबड़ बैंड को खींचो 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 तो क्या करते हो, तुम कुछ उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हो, एनर्जी स्टोर कर रहे हो, और बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। जो भी बैंड में हम जो ऊर्जा स्थानांतरित करें वो उसमें क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। चाबी भरते ना, चाबी भरते तो उसमें जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो के स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। और किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, इसको नोट कर लेना, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक लेते हैं हम, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा, कि वस्तु की किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य हुआ है कि नहीं। अब बताओ, ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को जब ऊपर उठाते हैं ना तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है कि उसको ऊपर उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर ये फैन है यहाँ पर पड़ा है, मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ, तो इसको जो इसमें कार्य है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध हुआ है, तो इसमें क्या हो जाती है, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी क्या होती है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। विद्यमान ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित की जाती है। सिंपल सी बात है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध, भूमि से उस बिंदु तक उठाने में जहाँ तक उसको उठाना है, और गुरुत्व बल के विरुद्ध ही हो रहा है, उसको उठाने के लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है, ठीक है ना, तो वो जो ऊर्जा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना क्या होता है, सरल होता है। ये देखो, ये एक गुटका है, इसको किसी हाइट तक ऊपर तक उठाया गया है, ठीक है। अब जो ऊर्जा है वो कौन सी हो जाएगी, इसके अंदर जो ऊर्जा संचित है वो कौन सी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। एक एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए, मान लीजिए इसे धरती से एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है, ठीक है ना। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए एक आवश्यक जो बल है वो वस्तु के भार के बराबर अर्थात क्या है, mg है। हमें पता है बल कितना जो है, m into a, तो अब जो गुरुत्व के विरुद्ध उठा रहा है तो a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। हमने पिछले वाले गुरुत्व जो हमारा वो स्थिरांक था उसके अंदर हमने पढ़ा था, वस्तु में इस प्रकार किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना है, W, तब क्या हो जाए, W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। बल कितना है, m into g, और विस्थापन कितना हुआ है, h ऊंचाई तक हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो हो जाएगा mgh, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। क्योंकि वस्तु पर
किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी और यह वस्तु की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। बात समझ आई नहीं है, स्थितिज ऊर्जा हमने कैसे नोट की, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है कि वस्तु को उठाने के लिए कोई आवश्यक जो न्यूनतम बल भी तो चाहिए होता है ना, वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। इसलिए हमने इसको बल को क्या लिया, mg लिया, और विस्थापन क्या हो गया, h ऊंचाई तक। तो हमारी जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो क्या, e इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। बात समझ आ गई, याद कर लो कि गति ऊर्जा तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी mgh। आगे देखते हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक अथवा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। गुरुत्व बल द्वारा तो कार्य किया जाता है ना, वस्तु की जो प्रारंभिक तथा ऊर्ध्वाधर स्थितियों की ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ना कि रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहाँ एक गुटका ए से स्थिति बी तक दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है। मान लीजिए ऊंचाई ए बी बराबर एच है, दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य एम जी एच होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, जो कार्य होगा वो क्या होगा, एम जी एच होगा, इससे पथ से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होगी हमारी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है, जो ऊर्जा के जो विभिन्न रूप है वो परस्पर आपस में क्या हो जाते हैं, बदल सकते हैं नहीं बदल सकते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं, प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताना है। जैसे गति ऊर्जा उसको स्थिति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में स्थानांतरित कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक लेते हैं, छोटे समूहों में बांटते प्रकृति में ऊर्जा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार करें। अपने समूह में तीन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। हरे पौधे खाना कैसे खाते हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, इस स्थान से दूसरे स्थान क्यों बहती है, कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने, इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं। अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगतों की एक सूची बनाइए और प्रत्येक क्रियाकलाप जुगतों में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में भी क्या हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जो है ना, पौधे होते हैं जो उनके अंदर जो फ्रूट्स लगते हैं, फल सब्जियां लगते हैं, वो हम लोग खाते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर जो फल सब्जियां, उसके अंदर क्या स्थिति ऊर्जा के रूप में एनर्जी स्टोर है, फिर हम लोग क्या करते, उसको खाने के बाद वो हम लोगों के अंदर भी स्टोर हो जाती है, फिर हम जब काम करते हैं तो वो किस में निकलती, गति ऊर्जा के रूप में। तो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो रहा है ना ऊर्जा का, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्रियाकलाप 11.13 तथा 11.14 में हमने सीखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस क्रियाकलाप में निकाय की कुल ऊर्जा का कार्य होगा। रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगर ये देखते हो भाई कि तुमने है ना एनर्जी जितनी ली है ना, कि भाई तुमने एनर्जी इतनी ली फिर उसमें दूसरे में परिवर्तित कर रहे हो, तो फिर है ना उसकी जो कुल ऊर्जा है वो क्या कैसी रहेगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय, मतलब पूरे की जहाँ से ली है जहाँ से नहीं ली ऊर्जा ना, पूरी की ऊर्जा जो निकाय की जो कुल ऊर्जा है ना वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे हमने पौधे से ली, पौधे से हमारे अंदर आई तो पौधा और हम क्या हो गए, एक निकाय हो गए, ठीक है ना। अब इस निकाय की जो कुल ऊर्जा है किसके अंदर है, हमारे और पौधे के, इसके अंदर ही नहीं थे ना, अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि ना बढ़ी है ना घटी है, ठीक है ना, इससे हमारे अंदर आ गए, ठीक है ना, तो अपरिवर्तित रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। जो ऊर्जा है ना वो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, पर ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है, अचर रहती है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के पश्चात जो कुल ऊर्जा होती है ना वो क्या रहती है, अचर, मतलब एक जैसी रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरों में क्या है, मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए
एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, एक वस्तु एच ऊंचाई से एच ऊंचाई स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, ठीक है ना, एच ऊंचाई से। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या है, एम जी एच है, या गतिज ऊर्जा क्या है उसकी, शून्य। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है, शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा एम जी एच है, जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो गई। स्थिति ऊर्जा किस में हो जाती है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। यदि किसी दिए गए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तथा गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h क्या हो जाता है, शून्य होगा, तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये देखो, ये अंडरलाइन करने, जब वस्तु के निकट पहुंचते हैं तो वस्तु का जो हाइट है वो, मतलब जो हाइट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाती है, जबकि जो वेग है वो क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तथापि सभी वस्तुओं पर, सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, समान होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू अचर, मतलब अपरिवर्तित, ठीक है ना। तो एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अचर होगा, ठीक है ना। इसको यूं कर लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना, उसकी कुल क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का योग होता है वो क्या होती है, उस वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, अब कोई पिंड गिर रहा है ना, तो इस किसी बिंदु पर अगर मान लो स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है ना, गतिज ऊर्जा में क्या होती है, उतनी ही वृद्धि हो जाती है। जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती ना, उतनी क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहां पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, निरंतर रूपांतरण हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमने देख लिया कि भाई गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, और इन दोनों का जो योग है हमेशा क्या होता है, अचर होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, और एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि भाई एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु इसके ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को, ना इसका विनाश किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं, क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है, अभिकर्ता एजेंट को ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं, आइए इसे निम्न क्रियाकलापों से समझें। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए गए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरा करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अधिक शक्तिशाली वाहन क्या कर सकता है, कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा में कम समय में यात्रा क्या कर सकते हैं, पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसे मशीनों की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार है कि यह कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करती है। शक्ति किसी दिए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति क्या करती है, किसी किए गए कार्य की गति को क्या करती है, मापती है। अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया, शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। ये जो है ना, आप शक्ति की परिभाषा, इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट टी समय में कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, भाई टी समय में कार्य करता है शक्ति का मान क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है, नोट कर लीजिए। तथा इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। यह मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। एक वाट अभिकर्ता की शक्ति है जो एक सेकेंड में एक जूल कार्य करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर एक जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति एक वाट होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वाट है ना, जो कार्य की जो है ना, वो क्या है, मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। समय का मात्रक क्या है, ये देखो पी बराबर कार्य का मात्रक क्या है, जूल। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हमने किसके सम्मान में रखा, हमने
जेम्स वाट के तो डब्ल्यू के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। हम ऊर्जा स्थानांतरण की दरों को किलो वाट में व्यक्त करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है ना उसको किस में किलो वाट में व्यक्त करते हैं। हमें पता है एक किलो वाट क्या बराबर क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, और एक किलो वाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड, एक ही बात है ठीक है ना। किसी अभिकर्ता की जो शक्ति है ना वो समय के साथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे समय बदलता है उसकी शक्ति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि बट्टा में क्या है, समय है, तो समय बदलता है शक्ति बदलती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में, मतलब बहुत सारे समय अंतरालों में भिन्न विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। इसलिए मतलब भिन्न भिन्न होता है, अगर किसी का मान एक ही सेकंड में दूसरे सेकंड में फिर से परिवर्तित हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ उपयोग में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, औसत। तो इसके लिए हम शक्ति के लिए क्या करेंगे, औसत शक्ति का उपयोग करेंगे। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर सकते हैं। औसत शक्ति का जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य, एक ही बात है, कुल उपयोग की गई ऊर्जा कुल किए गए समय से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, नहीं है ठीक है। जूल क्या है, ऊर्जा का एक जूल और कार्य का एक ही मात्रक है, ठीक है ना। तो जूल क्या है, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या है, असुविधाजनक, मतलब अच्छा नहीं है। बड़ी राशियों को, छोटी राशियों के लिए तो ऊर्जा का जूल वाला मात्रक सही है, पर बड़ी राशियों के लिए सही नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा, जिसको क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा। हम ऊर्जा का एक दूसरा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसको क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो गया, किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा से तात्पर्य है, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए तो यह 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार का किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट × 1 घंटा, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है, इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3,36,36 लाख जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो या 1 किलो वाट बराबर 3.6×10^6 जूल भी हो जाएगा, क्योंकि 5 जीरो तो है, 1 पॉइंट आगे लगाते हो, तो 10^6 जूल। घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्राय किलो वाट घंटा में व्यक्त करते हैं, इसको नोट कर लेना। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। जो हमारे घर में जो बिजली आती है, बिजली का बिल आता है, वो किस में आता है, यूनिट्स में आता है ना, यूनिट्स में। तो हमारे जो यूनिट है तो वो यूनिट किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो जो 1 किलोवाट घंटा वो ऊर्जा का क्या है, व्यावसायिक मात्रक है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।